हेलो, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सोया कीमा की सब्जी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। एक कटोरी सोया बड़ी लिए हैं। एक पैन गर्म करेंगे, सोया बड़ी को डालकर इसे भून लेंगे। इसे सूखा ही भूनेंगे, इसमें तेल नहीं डालेंगे। इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे। आप इसे बिना भूने भी बना सकते हैं। सोया बड़ी का कलर चेंज हो गया है, इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे। पानी डालकर इसे सोक करके रखेंगे। आप चाहे तो बिना भूने ही गर्म पानी में डालकर इसे बना सकते हैं। इसे सोक करके रखेंगे, एक साइड में इसे रखेंगे। मसाला तैयार कर लेंगे। एक बोल में 4 चम्मच दही लेंगे। आज इसे दही के साथ में बनाएंगे। आप चाहे तो बिना दही का भी इसे बना सकते हैं। इसमें सारे मसाले डाल लेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच शक्कर डालेंगे, 1 चम्मच मीट मसाला, 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला। आप चाहे तो दोनों में से किसी एक मसाले के साथ में इसे बना सकते हैं। मसाले और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। सोया बड़ी को 2 से 3 पानी से धोकर साफ कर लेंगे। फिर से निचोड़ लेंगे, इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल लेंगे। सोया बड़ी को ग्राइंडर जार में डालेंगे। सारा सोया बड़ी को डाल लिए ग्राइंडर जार में, ऐसे दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, हल्का सा इसे दरदरा ही रखेंगे। सोया कीमा की सब्जी बनाने के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। मसाले, एक पैन गर्म करेंगे। पैन में तेल डालकर तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने पे जीरा डालेंगे, हींग, तेजपत्ता डालेंगे, 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक बारीक इसे चॉप कर लिए चॉपर में। आप चाहे तो बारीक बारीक काट सकते हैं। इसे हम चॉपर में डालकर इसे चॉप कर लिए हैं। आप चाहे तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं प्याज को। प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट हो गया है प्याज हल्का सा। इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। मसाले को 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे। चलाते हुए भून लिए, मसाला भून गया है। दही वाला मसाला डाल लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट मसाले को भूनेंगे, दही को पका लेंगे। 2 मिनट मसाले को भून लिए हैं। 2 चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट और भून लेंगे मसाले को। मसाले का तेल सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छे से भून गया है मसाला। 2 मीडियम साइज का टमाटर को बारीक बारीक काट कर डाल देंगे। आप चाहे तो इसे भी चॉपर में चॉप करके डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसाले में टमाटर को मिक्स कर लेंगे। फिर इसे ढककर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे टमाटर को। 3 मिनट के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। टमाटर को चेक कर लेंगे, हल्का सा सॉफ्ट हो गया टमाटर। मसाले को चला लेंगे। एक बार फिर से इसे ढककर रखेंगे।
तीन से चार मिनट के बाद मसाले को चेक कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से भून गया, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। सोया कीमा डाल देंगे इसमें, से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक से डेढ़ मिनट और भूनेंगे इसे। मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है, एक से डेढ़ मिनट ही भूनेंगे। सोया कीमा भून गया है, ये पानी डालेंगे, पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। दो से तीन मिनट इसे और पकाएंगे, थोड़ा सा और पानी डाल लिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हल्का सा ग्रेवी वाली सब्जी बना लें या फिर ड्राई सब्जी इसके बना लें। ढक्कन लगाकर इसे तीन मिनट पका लिए हैं, तीन मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाकर एक बार मिक्स कर लेंगे। खुले पैन में दो से तीन मिनट और इसे पका लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सोया कीमा की सब्जी बनकर तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसमें एक तड़का लगाएंगे। आप चाहे तो बिना तड़के का भी बना सकते हैं। तड़का पैन गर्म करेंगे, एक चम्मच घी डालेंगे, घी का ही तड़का लगाएंगे। अदरक को लंबे लंबे स्लाइस में काट कर डालेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक अदरक को भून लेंगे घी में। अदरक का कलर चेंज हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले हैं आधी छोटी चम्मच, इसे मिक्स कर लेंगे और सब्जी में डाल देंगे तड़के को। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें ऊपर से धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी में। सोया कीमा की सब्जी बनकर तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी बना है सब्जी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू, बाय।